अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी तो मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी तो मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और भी जो हमारे घरों के दीवारों में सुराख है ना, ये चाइना अमेरिका पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान मानते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा मेरे वर्ग शिक्षक और स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आने वाले सभी मान्यवर, मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप सब लक्ष्य पूर्वक मेरा भाषण सुनेंगे। आजादी, आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत देश में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, लेकिन विशाल बनकर हमें 1947 को आजाद करवाया गया। जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब मेरा रंग देखने की चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम का एक नारा लगाने से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65-71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवाने वाली औरत, जब उसके घर के हालात ये हो गए कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, के प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगूटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई, न जाने कैसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला जिसमें की बोटियां बोटियां कहीं चली गई, जिसमें की बोटियां बोटियां कहीं चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की दो रोटियां चली गई, मेरे घर की दो रोटियां चली गई। लेकिन इस वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी, और उसे पत्र लिखा कर भेजती थी। ये मान्य पत्र लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना तुम घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ने को कहता था, तब देश मरने को, मिटने को, फांसी चढ़ने को कहता था, किंतु आज देश मरने को नहीं कहता, आज देश लड़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम अपनी ईमानदारी से करे ना, तो वो सबसे बड़ा अपराधी कहलाया जा रहा है, उस पर अन्याय किया जा रहा है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप पर फेसबुक की डीपी को ही 3 रंगों से रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगे को लेना ना देशभक्ति है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाले वो बच्चे ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में अगर तिरंगे बेच रहे होते हैं, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, है उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। जो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, जो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना समाज, अपना परिवार, अपने देश के समर्थन का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशवासी ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। इज्जत से रहना है तेरे जमीन पर, वरना यही कब्र तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशवासी से बढ़कर एक देशभक्ति तब बहादुर होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। तो रुकती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने के बजाय सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज वो युवा जिनके ऊपर अपना देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की भावनाओं को बांधे रखने की जिम्मेदारी थी, आज वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावना की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका का मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य खराब कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। आज भी हम महिला सुरक्षा के बारे में दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं,
गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने की चुके हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रप्रेमी। न सरकार मेरी है न भगवान मेरा है, न सरकार मेरी है न भगवान मेरा है, न इतना बड़ा सा ये काम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत की हूँ और यही भारत मेरा है और यही भारत मेरा। किंतु एक विचारी बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते, मुस्लिम पैदा होते, सिख पैदा होते, ईसाई पैदा होते, पर बस बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ पर एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होगा। बल्कि मेरे विचारों से तो अगर एक राष्ट्र निर्माण करना है तो सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएंगी अगर परिंदे भी हिंदू और मुस्लिम हो जाएंगे, अगर परिंदे भी हिंदू और मुस्लिम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा देश तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक हम अपना जात अपने धर्म की अवहेला करते रहेंगे, अंधविश्वास फैलाते रहेंगे। जब हमारी सभ्य और संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, जब हमारी सभ्य और संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। भारत की बेटी होने के नाते कहूंगी, भारत की बेटी होने के नाते मैं ये कहूंगी कि हम एक दिन ऐसा कर दिखलाएंगे, हम एक दिन ऐसा कर दिखलाएंगे, पाकिस्तान को जय हिंद कहना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को जय हिंद कहना ही पड़ेगा।